बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 55 एंड सेक्शन 55A ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड 1860 को। सेक्शन 55, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इन एवरी केस इन विच सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल हैव बीन पास्ड, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस विद इन विच द ऑफेंडर शैल हैव बीन सेंटेंस्ड मे without the consent of the offender commute the punishment for imprisonment of either description for a term not exceeding 14 years। इसका अगर उर्दू में तर्जमा किया जाए तो वो बनता है तब्दीली सजाए मौत। हर ऐसी सूरत में जहां उम्र कैद का हुक्म दिया गया हो, इस सूबा की सूबाई हुकूमत को जिसके अंदर मुजरिम को सजा दी गई है, इख्तियार होगा कि मुजरिम की मर्जी के बगैर इसकी सजाए उम्र कैद को किसी दीगर सजा से तब्दील कर दे। लेकिन जिस सजा से तब्दील किया जाएगा उसकी जो मियाद है वो 14 वर्ष से ज्यादा ना हो, और ये जो सजा होगी ये किसी भी डिस्क्रिप्शन की हो सकती है, किसी भी किस्म की हो सकती है। यानी कि इस सेक्शन के तहत उस सूबा की सूबाई हुकूमत को अख्तियार दिए गए हैं कि वो मुजरिम की सजाए उम्र कैद को किसी भी दीगर सजा से तब्दील कर सकती है। लेकिन जिस सजा से वो तब्दील करेगी उसकी जो सजा की लंबाई है, उसकी जो मियाद है, वो 14 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 14 साल से कम हो सकती है। और साथ ये भी बताया गया है कि वो सजा किस किस्म की होगी, ये भी इख्तियारात उस हुकूमत के पास है कि वो किसी भी डिस्क्रिप्शन की सजा उसको दे सकती है। यानी कि सेक्शन के तहत हुकूमत के पास इख्तियारात हासिल हैं कि वो उस शख्स की सजाई उम्र को कम कर दे। वो उसको 10 साल भी कर सकती है, 8 साल भी कर सकती है, 5 साल भी कर सकती है, 7 साल भी कर सकती है, 12 साल भी कर सकती है, और मैक्सिमम उसको 14 साल में तब्दील कर सकती है। अब इस सेक्शन 55 के तहत सूबाई हुकूमत को इख्तियारात तो दिए गए हैं, लेकिन इसमें एक शर्त भी रख दी गई है। इस सेक्शन को आगे पढ़ें। Provided that in case in which sentence of imprisonment for life shall have been passed against an offender convicted for an offence punishable under Chapter 16, such punishment shall not be commuted without the consent of the victim or, as the case may be, of his heirs. इसका अगर उर्दू में तर्जमा करें तो वो ये बनता है, मगर शर्त यह है कि किसी ऐसे मुकदमा में जिसमें किसी मुजरिम को चैप्टर 16 ऑफ दिस पेनल कोड उसके तहत काबिले सजा किसी जुर्म की निस्बत सजाए उम्र कैद दी जाती है, तो ऐसी सजा बिला रजामंदी विक्टिम या फिर उसके वर्सा जैसी भी स्रोत हो तब्दील नहीं की जाएगी। यानी कि अगर इस पिनल कोड के चैप्टर 16 में बयान करदा किसी जुर्म की निस्बत किसी शख्स को सजाए उम्र कह दी जाती है, तो उसको सूबाई हुकूमत तब्दील तो कर सकती है, लेकिन उसके लिए उसको चाहिए होगा कि वो उस विक्टिम की रजामंदी हासिल करे। लेकिन अगर विक्टिम किसी वजह से वफात पा गया हो तो उसके वारसान की उसमें रजामंदी जरूरी है, इसके बगैर जो है सूबाई हुकूमत वो उसकी सजाए उम्र कैद को तब्दील नहीं कर सकती। ये जो इस सेक्शन 55 में विक्टिम की या फिर किसी सूरत हाल में उसके वर्सा की रजामंदी की कंडीशन रखी गई है, ये पहले नहीं थी, बल्कि ये कानून फौजदारी में जो तरमीमी एक्ट 1997 हुआ था उसके तहत इसमें ये तरमीम की गई है। लिहाजा अब इस तरमीम के तहत चैप्टर 16 के तहत किसी जुर्म में किसी को सजाए उम्र कैद होती है तो उसको तब्दील करने के लिए विक्टिम की या फिर उसके वारसान की रजामंदी जरूरी है। इस तब्दीली से यह फायदा हुआ है कि हुकूमत के उन अख्तियारात में कमी हुई है जो इसको मुजरिम की सजा तब्दील करने के लिए हासिल थे, और अगर हुकूमत सजा में तब्दीली कर देती थी तो जो विक्टिम होता था या उसके जो वारसान होते थे उनकी दिल शिकनी होती थी। अब हम सेक्शन 55A पढ़ लेते हैं। सेक्शन 55A, सेविंग फॉर प्रेजिडेंस प्रोरोगेटिव। नथिंग इन सेक्शन 54 और सेक्शन 55 शैल डेरोगेट फ्रॉम द राइट ऑफ प्रेजिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्रीव्स, रेस्पाइट्स
और रिमिशंस ऑफ पनिशमेंट। यानी कि इस सेक्शन 55A में बताया गया है कि दफा 54 या दफा 55 में कोई अमर सदर के हक के माफी, इल्तवा, मोहलत या तख़फ़ीफ़ी सजा पर असरअंदाज ना होगा। अब इसी को हम आगे पढ़ लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट सच राइट शैल नॉट विदाउट द कंसेंट ऑफ द विक्टिम और एज द केस मे बी ऑफ द हेयर्स ऑफ विक्टिम बी एक्सरसाइज्ड फॉर एनी सेंटेंस अवार्डेड अंडर चैप्टर 16। लेकिन साथ ही इसमें शर्त रख दी गई है कि ऐसा हक विक्टिम या उसके वर्सा जैसी भी सूरत हो की रजामंदी के बगैर किसी ऐसी सजा की निस्बत जो चैप्टर 16 के तहत दी गई हो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यानी कि सेक्शन 54 तब्दीली सजाए मौत और सेक्शन 55 जो कि तब्दीली सजाए उम्र कैद के बारे में है, ये जो अख्तियारात हैं ये सदर को भी हासिल होंगे। और सदर को अख्तियार हासिल होगा कि वो इस मामले में किसी को माफ कर दे, किसी की सजा को इल्तवा में डाल दे, उसको मोहलत दे दे या उसकी सजा में तख़फ़ीफ़ कर दे। लेकिन सदर के लिए भी शर्त रख दी गई है कि वो चैप्टर 16 के तहत दी गई सजाओं में अगर कोई तरमीम करना चाहे, तब्दीली करना चाहे या उनको माफ़ करना चाहे या उनको इल्तवा में डालना चाहे या तख़फ़ीफ़ करना चाहे तो उसके लिए उसको विक्टिम की रजामंदी हासिल करनी पड़ेगी या फिर उसके वारसान की रजामंदी हासिल करनी पड़ेगी जैसी भी सूरत हाल हो। व्यूअर्स, आप पाकिस्तान पिनल कोड से मुतालिक मेरी दूसरी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल में मौजूद पाकिस्तान पिनल कोड के नाम से प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।